गाइस ग्रैंड विटारा की प्राइसिंग आ चुकी है और यहाँ पे गाइस बहुत सारे ऐसे वेरिएंट हैं ग्रैंड विटारा के जो कि वैल्यू फॉर मनी है और कुछ ऐसे वेरिएंट हैं जो कि थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगे और इसकी प्राइस को मैंने क्रेटा से भी कंपेयर किया है, तो वो वीडियो आई बटन में है, वहाँ से आप देख लेना। आज की वीडियो है कि आपके लिए ग्रैंड विटारा का सिग्मा ज़्यादा वर्थ बाइंग रहेगा या फिर ग्रैंड विटारा का डेल्टा आपके लिए ज़्यादा वर्थ बाइंग रहेगा। बेसिकली यहाँ पे मैं प्राइस को ध्यान में रखते हुए दोनों ही कार के फीचर्स को कंपेयर करूँगा। लास्ट तक आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सी प्राइस में कौन सी वर्थ है। क्या आपको कुछ पैसे बचा के ग्रैंड विटारा सिग्मा खरीद लेना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा पैसे दे के डेल्टा खरीदना चाहिए? अगर आपका भी डाउट है ना तो ये वीडियो एंड तक देखना, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, ग्रैंड विटारा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, चैनल पर जाके देख सकते हो। तो पहले तो प्राइसिंग ही आप देख लो। तो गाइस यहाँ पे ग्रैंड विटारा का जो सिग्मा वेरिएंट है ना मैनुअल ट्रांसमिशन में, उसकी प्राइसिंग है 10.45 लाख एक्स शोरूम प्राइस है। ये डेल्टा की बात करें तो डेल्टा की एक्स शोरूम प्राइस है मैनुअल ट्रांसमिशन में 11.90 लाख। प्राइस में यहाँ पे आप देखो कि लगभग 1.45 लाख एक्स शोरूम प्राइस में डेल्टा की प्राइस ज़्यादा है सिग्मा के कंपैरिजन में। अब आप ये प्राइस के डिफरेंस को ना दिमाग में रखना, आगे की वीडियो देखोगे तो पिक्चर क्लियर होगी। 1,45,000 रुपये डेल्टा महंगी है। अब आगे देखें डायमेंशंस, भाई दोनों ही गाड़ी क्योंकि सेम गाड़ी है तो डायमेंशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बट फिर भी आप एक बार डायमेंशन देख लो तो ये इतना डायमेंशन है इस गाड़ी का। इंजन की बात करें तो इंजन भी सेम है, इंजन में भी कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि सेम गाड़ी है। तो इंजन आपको बताऊँ तो 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड मतलब माइल्ड हाइब्रिड वाला मारुति का इंजन देखने को मिलता है। 103 bhp के मैक्स पावर और 138 nm का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। ये 5 स्पीड का ट्रांसमिशन है और इसका क्लेम माइलेज लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर है। अब आ जाते हैं फीचर्स में और देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो पहले सिग्मा को देखते हैं। तो सिग्मा के अगर आप एक्सटीरियर को देखो तो फ्रंट में LED DRLs देखने को मिलती हैं, क्रोम वाली फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है, बाई हेलोजन वाली हेडलाइट है। फ्रंट के जो ग्रिल वगैरह है तो आप कोई भी वेरिएंट ले लो ग्रैंड विटारा का, लगभग सेम ही दिखेगी। लगभग क्या, एग्जैक्ट सेम है ग्रिल, लाइट वगैरह में डिफरेंस देखने को मिलेगा। साइड की तरफ चलो तो 17 इंच के स्टील व्हील है कैप के साथ, इंडिकेटर ORVM में दिया गया है, चारों तरफ क्लैडिंग लगाई गई है। और आपको बता दूं ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल से ही आपको चारों डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे पर्सनली एक बहुत अच्छी बात लगी ग्रैंड विटारा की। पीछे की तरफ चलो तो रियर में बड़ा सा स्पॉइलर है, LED वाली टेल लाइट दी गई है और शार्पन एंटीना दिया गया है। डेल्टा के एक्सटीरियर की बात करूँ तो गाइस आपको बता दूँ एक्सटीरियर से देखने में ना सिग्मा डेल्टा में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप मतलब नोटिस नहीं करो तो आपको डिफरेंस मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक्सटीरियर में एक ही डिफरेंस है। डेल्टा में क्या हो गया है कि डेल्टा में एक्स्ट्रा ऐड हो गया है फ्रंट और रियर में सिल्वर स्किड प्लेट, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये एक डिफरेंस ध्यान रखो एक्सटीरियर में। अब अंदर की तरफ चलते हैं। तो पहले सिग्मा का इंटीरियर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फीचर्स हैं। तो डुअल टोन का इंटीरियर मिलेगा सिग्मा में, देख सकते हो, और पर्सनली मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है इंटीरियर। साथ ही साथ में आपको सिल्वर एसेंट भी देखने को मिलेगा। चारों पावर विंडो हैं, फ्रंट में आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा, ड्राइवर वाली सीट में हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा और स्टेयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि बेस मॉडल है, बेस मॉडल में ये सब आप एक्सपेक्ट नहीं करते भाई। और कीलेस एंट्री है, पुश बटन स्टार्ट है। अब आप सोचो पुश बटन स्टार्ट बेस मॉडल में कौन देता है, आपको नहीं मिलेगा जनरली। ऑटोमेटिक एसी मिलती है, रियर एसी वेंट है, इलेक्ट्रिक ORVM है मतलब इलेक्ट्रिक स्विच के थ्रू आप इनको एडजस्ट कर पाओगे, फोल्ड आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। रियर में भी आर्मरेस्ट दिया गया है और आपको बता दूं इसमें कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं दिया गया है और मुझे देख के ये लग रहा है कि इसमें म्यूज़िक सिस्टम बस की कमी है, बाकी सब कुछ तो दे दिया यहाँ पे। फीचर्स भाई यहाँ पे सारे मिल रहे हैं। अब डेल्टा की बात करें तो आपको बता दूं ये जो मैंने फीचर्स गिनाए ना, जैसे डुअल टोन का इंटीरियर, चारों पावर विंडो, फ्रंट में आर्मरेस्ट, ड्राइवर वाली सीट हाइट एडजस्टेबल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक एसी, रियर एसी वेंट, इलेक्ट्रिक ORVM, रियर में आर्मरेस्ट, ये तो डेल्टा में भी मिल रहे हैं। अब एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, अब फिर अपन लास्ट में कैलकुलेट करेंगे प्राइस के हिसाब से। तो इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड हो गई हैं, जैसे ग्लव बॉक्स में लाइट है, फ्रंट फुटवेल में लाइट दी गई है, बूट स्पेस में भी लाइट दे दी गई है, तो ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ हो गई यहाँ पे। और ये बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं लेता है भाई, तो मतलब इसको मैं बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। इसी के साथ मेजर जो चेंज हुए हैं वो आपको बता दूँ तो वो ये है कि इसमें ना अभी टच स्क्रीन वाला प्लेयर देखने को मिलता है, जिसको मारुति स्मार्ट प्ले प्रो बोलती है, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऐड हो गया है, और सबसे अच्छी बात कि भाई इसमें सुजुकी का कनेक्ट भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं कि जिनको कनेक्टेड फीचर्स चाहिए अपनी गाड़ी में, तो ग्रैंड विटारा यहाँ पर डेल्टा वेरियंट से आपको प्रोवाइड करने लगता है।
क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है और रियर में फास्ट चार्जिंग का भी एक यूएसबी पोर्ट दे दिया गया है और रियर कैमरा दे दिया गया है। तो बस ये फीचर्स ऐड हुए हैं यहाँ पे डेल्टा में। अब प्राइस आप कितनी पे कर रहे हो? 1,45,000 रुपये एक्स शोरूम में। यहाँ पे पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि डेल्टा बहुत अच्छा वेरियंट है, मतलब इसमें सारे फीचर्स मिल गए जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर इसमें ना पैनोरामिक सनरूफ होता ना भाई, तो सब इसको ही खरीदते, क्योंकि भाई सब कुछ है। आप देखो ना, कनेक्टेड फीचर दे दिए गए जो कि जनरली कार्स अपने टॉप मॉडल या मिड से ऊपर वाले वेरिएंट्स में देती हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया। कैमरा है, क्रूज़ कंट्रोल है, एक अच्छी बात यह है। और हाँ, अगर आप डेल्टा में ऑटोमेटिक की तरफ जाओ तो आपको पैडल शिफ्टर भी देखने को मिलते हैं, बट ऑटोमेटिक की बात यहाँ पे अपन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताऊँ, जो 1,45,000 रुपये का डिफरेंस है ना, तो उसके लिए मुझे ये फीचर्स वर्थ लग रहे हैं। उसके कुछ रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है, फीचर्स एक्स्ट्रा हैं उनको जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप म्यूज़िक प्लेयर अच्छा वाला लगवाने जाते हो, स्पीकर वगैरह सब कर गुरा के, तो आपको लगभग 40,000-50,000 का पड़ जाएगा। अच्छे स्पीकर्स लगाओ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें सुजुकी का कनेक्ट देखने को मिलता है, जो कि भाई ऑफिशियल कनेक्टेड फीचर है, और ये आपको मतलब बाहर से कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्रूज़ कंट्रोल है, ये फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करते हैं, इन सबको जोड़ो। कैमरा है, तो ये सब मिला के मुझे लगता है कि ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं है, बट ये सारी चीज़ें आपको कंपनी द्वारा मिल रही हैं, कंपनी के साथ मिल रही हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कोई वायर वायर कटवट नहीं करना, एक्स्ट्रा कहीं से फिट नहीं करवाना, तो फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी मिलेगी आपको। अगर ऐसा चाहिए कि भाई टेंशन ना हो, मेरे को सब कंपनी से ही मिल जाए, तो डेल्टा बिल्कुल वर्थ है। कनेक्टेड फीचर्स आप देख लेना कौन कौन से हैं मारुति में, जैसे आपको कुछ यहाँ पे बताऊं तो जियो फेंसिंग है, और आपके अपनी कार की लोकेशन शेयर कर सकते हो, स्मार्ट वॉच से कनेक्ट कर सकते हो, है ना, हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, और मतलब बहुत कुछ आप अपनी रिमोट से कर पाओगे, फ़ोन के थ्रू भी आप कर पाओगे। ओवर स्पीडिंग का अलर्ट लगा सकते हो और अपनी ट्रिप की हिस्ट्री भी शेयर कर सकते हो। तो मतलब बहुत कुछ आपको कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, और ये एक्सपीरियंस आपको सिग्मा में नहीं मिलेगा। आप बाहर से आफ्टर मार्केट प्लेयर वगैरह लगा लोगे तब भी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस एक्सपीरियंस के लिए और ये जो कंपनी फिटेड एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जा रहे हैं, उसके लिए 1,50,000 रुपये एक्स शोरूम में देना वर्थ है। हाँ, थोड़ा बहुत ओवर प्राइस जरूर है अगर आप एक एक फीचर्स को कंपेयर करो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगेन आप दे सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें कंपनी के साथ मिल रही हैं। सेफ्टी फीचर्स की लास्ट में बात करूँ, दोनों ही गाड़ियों में सेम सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे ABS, EBD, 2 एयरबैग, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ISO फिक्स और चारों डिस्क ब्रेक। एक सेफ्टी फीचर्स आप कह सकते हो कि डेल्टा में ज़्यादा हो गया, कि भाई इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कौन सा मॉडल पिक करने वाले हो, क्या रीज़न है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, कनेक्टेड फीचर्स वगैरह नहीं चाहिए, तब आप सिग्मा ले सकते हो। आप बाहर से एक अच्छा सा प्लेयर मतलब 20,000-30,000-40,000 का लगवा सकते हो और अपने 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा सकते हो। लेकिन अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो कि 1,50,000 रुपये एक्स्ट्रा आप पे कर सको, तो डेल्टा ज़्यादा वर्थ रहेगा, मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा कर देगा, तो वो आप देख सकते हो। वीडियो कैसी लगी बताओ कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।